नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी। राजस्थान में एक गांव है जिसे मिनी इजराइल के नाम से भी जाना जाता है। जी हां, इस गांव में एक ऐसा किसान है जो अपने गांव में खेती के कार्य में नई तकनीकों को अपनाकर गांव में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही वे गांव के लोगों की किस्मत भी बदल रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस किसान की सफलता की कहानी के बारे में। राजस्थान के जयपुर के पास एक छोटा सा गाँव कुमावतान और बेसड़ी है, जहाँ एक किसान खेमाराम रहते हैं। बता दें, इन्होंने इजराइल टेक्नोलॉजी से खेती में अच्छा मुनाफा कमाया है। दरअसल खेमाराम अपने खेत में पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन अधिक मुनाफा ना मिलने की वजह से उन्होंने खेती में नई तकनीकों को अपनाने की सोची। चलिए जानते हैं कैसे हुई उनकी शुरुआत। दरअसल खेमाराम का कहना है कि साल 2012 में वे राजस्थान सरकार के सहयोग से इजराइल गए, जहाँ पर कम पानी के बावजूद कंट्रोल एनवायरनमेंट में पॉली हाउस की खेती को देखा और समझा। फिर वहाँ से लौटने के बाद पहला पॉली हाउस लगाया। जब उन्होंने इस तकनीक से खेती की शुरुआत की तो लोगों ने उनका काफी मजाक बनाया, लेकिन जब खेमाराम को अधिक मुनाफा होने लगा तो पूरा गांव इस तकनीक को अपनाने लगा। उन्होंने बताया कि यहाँ 6 किलोमीटर के एरिया में 300 से ज्यादा पॉली हाउस है, जिसकी बदौलत यहाँ के किसानों की किस्मत बदल गई है। और यहाँ 40 किसान ऐसे हैं जो 10 साल में करोड़पति बन गए हैं। बता दें, मौजूदा समय में गांव के सभी किसान खेमाराम द्वारा अपनाई गई इजराइल तकनीक से हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो वहीं किसान पारंपरिक खेती के साथ स्ट्रॉबेरी, दूसरे फल और सब्जियों की खेती कर लाखों रुपए का मुनाफा भी कमा रहे हैं। ऐसे में किसान खेमाराम को गांव के लोग भगवान का दर्जा देने लगे हैं। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।